का स्वागत है बच्चों। आज हम जो है 10th क्लास का एक क्वेश्चन लिखा है, साबुन और डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट्स में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे। सभी ने देख रखा है, साबुन भी देख रखा है जो कि नहाने के काम में आता है, और डिटर्जेंट पाउडर भी दे रखा है जो कपड़े धोने के काम में आता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख रखा कि ये नहाने के काम में आता है, साबुन जो होता है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, नहाने के काम में करते हैं, और डिटर्जेंट का उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़े धोने के काम में करते हैं। तो पहला उपयोग तो आसान अपन कि साबुन से हम नहाते हैं और डिटर्जेंट से हम कपड़े धोते हैं। दूसरा, इस प्रकार के साबुन अच्छी प्रकार के तेलों तथा वसाओं से बनाए जाते हैं, है ना। तो जो साबुन होते हैं वो जो बनते हैं वो तेल से और उसके साथ वसा जो रहती है हेड्स उससे बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का तेल का उपयोग किया जाता है या उसमें वसा का उपयोग करके उसको बनाया जाता है। इसमें जो तेल और ये जो वसा होते हैं वो सस्ती क्वालिटी के होते हैं, ध्यान रखना, ये लोकल क्वालिटी के सस्ती क्वालिटी के होते हैं। इन साबुनों को रंगीन और सुगंधित करने के लिए विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। अपने को पता है कि साबुन को यदि सुगंधित करना है तो उसमें अलग अलग टाइप्स के पदार्थ मिलाए जाते हैं, और इधर क्या है, इनमें इन पदार्थों को आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डिटर्जेंट को सुगंधित नहीं बनाया जाता है। तो इसको सुगंधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ मिलाते हैं, और इसमें नहीं मिलाते सुगंधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ। इसमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं, पूरक पदार्थ सोडियम सिलिकेट आदि मिलाए जाते हैं, यानी इसमें कुछ पदार्थ मिलाते नहीं है, इसमें कुछ सप्लीमेंट्री या पूरक पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो सबसे सिंपल, ये नहाने के काम में आता है, ये कपड़े धोने के काम में आता है। दूसरा लिखा, इसके जो तेल और वसा जो होते हैं वो उच्च क्वालिटी के होते हैं, अच्छी प्रकार के होते हैं, इसकी सस्ती क्वालिटी के होते हैं, सस्ते होते हैं। तीसरा हमने लिखो कि इसको सुगंधित करने के लिए कुछ बाहर से पदार्थ मिलाते हैं, इसमें इस प्रकार मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते, और इसमें पूरक पदार्थ जैसे सोडियम या सिलिकेट से आदि इसमें मिलाए जाते हैं। इसके साथ में कुछ अंतर अपने को इसमें भी ध्यान रखना है कि ये जो बनाए जाते हैं दे आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट फैटी एसिड। जो साबुन होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम जो साल्ट होता है, लवण होता है, उसके ये क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, मतलब वसी अम्ल होते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि साबुन जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम की क्या होते हैं, साल्ट ऑफ फैटी एसिड, वसी अम्ल होते हैं, वसा वाले अम्ल होते हैं। जो साबुन होते हैं वो सोडियम पोटेशियम के वसी अम्ल होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं दे आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम के सल्फोनिक अम्ल होते हैं, सल्फोनिक अम्ल होते हैं। तो एक अंतर ये भी लिख सकते हैं कि ये सोडियम पोटेशियम के वसी अम्ल होते हैं, ये सोडियम पोटेशियम के सल्फोनिक अम्ल होते हैं। दे ओ सी डबल ओ और एन ए ग्रुप, ये जो होते हैं ये सी डबल ओ एन ए ग्रुप के होते हैं, और ये सल्फोनिक ग्रुप के होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो साबुन होते हैं उसमें कौन सा ग्रुप होता है, सी डबल ओ माइनस और एन ए ग्रुप के होते हैं, एन ए प्लस। तो साबुन जो होता है सी डबल ओ माइनस तथा एन ए ग्रुप के होते हैं, और ये जो होते हैं ये एसओ थ्री ग्रुप के होते हैं, सल्फेट ग्रुप के होते हैं, ध्यान रखना। फिर हमने लिखा कि दे डू नॉट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर, ये जो होते हैं कठोर जल के साथ अच्छी तरह से काम नहीं करते, क्रिया नहीं करते, कठोर जल के साथ ये काम नहीं करते हैं। एसिडिक वाटर एंड सेलाइन वाटर, और ये जो होते हैं ये कठोर जल के साथ भी क्रिया करते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो एक ये भी लिखना कि साबुन जो होता है कठोर जल के साथ झाग नहीं देते या क्रिया नहीं करते, और ये कठोर जल के साथ झाग देते हैं, ये भी अंतर अपन उसमें लिख सकते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते, और ये कठोर जल के साथ झाग देते हैं। दे आर फुली बायोडिग्रेडेबल, ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जैविक होते कह सकते हैं, और ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, सोडियम
स्टेरेट, सोडियम पामलाइट, और इसमें एग्जांपल सोडियम लोरिन और सल्फेट। तो इसके एग्जांपल भी दे सकते हैं, इसमें सोडियम होते हैं, स्टेरेट होते हैं, और इसमें सोडियम लोरिन सल्फेट के गुण पाए जाते हैं। तो ये अपने को दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। शार्ट में अपन क्या क्या अंतर लिख सकते हैं, मैं एक समरी बता देता हूँ। पहला, इसका उपयोग हम नहाने के काम में करते हैं, इसका उपयोग हम कपड़े धोने के काम में करते हैं। दूसरा हमने लिखा कि इस प्रकार के साबुन में अच्छे प्रकार तेलों तथा वसाओं का उपयोग किया जाता है, इसमें सस्ते तेल और वसा का उपयोग करते हैं हम। तीसरा हमने लिखा कि इसको सुगंधित बनाने के लिए कोई बाहर से पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसको सुगंधित बनाने के लिए कोई पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। फिर हमने लिखा कि इसमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते और इसमें पूरक पदार्थ सोडियम और सिलिकेट मिलाए जाते हैं। फिर लिखा कि इसमें सोडियम पोटेशियम के ये वसीय अम्ल होते हैं, ये सोडियम पोटेशियम के सल्फोनिक अम्ल होते हैं, इसमें सी डबल ओ माइनस और एन ए प्लस होते हैं और ये सल्फेट ग्रुप होते हैं। फिर हमने लिखा कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब जैविक नहीं होते और ये जैविक होते हैं। तो इस तरह से ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देते, ये कठोर जल के साथ झाग देते हैं। इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस हम लिख सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।